अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहाब चित्तूर, जो माशाल्लाह केरला से निकले हुए हैं, उनके बारे में। और हम बात करेंगे आज उनकी लाइव लोकेशन के बारे में कि वो कहाँ रुके हैं। और इसी तरीके से एक गुड न्यूज़ है जो हम सभी के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हम सभी के लिए, जिसका हम मुंतजर इंतजार कर रहे थे। वो ये है कि हम आखिर में उसके बारे में तस्करा जरूर करेंगे। आप वीडियो मुकम्मल देखें इंशाल्लाह, तब आपको पता चलेगी। तो माशाल्लाह शहाब भाई ने बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा और बेहतरीन इरादा किए पैदल हज कर। शायद ही किसी के अंदर इतना कसक हो और कितना दम हो कि वो शहाब भाई की जैसा इरादा करे। अगर हो तो माशाल्लाह उसके अंदर की वो माया होगी जो उसको ले जाने पर मजबूर करेगी, चलने पर मजबूर करेगी। वरना हर एक के अंदर इतना दम नहीं है कि वो काबतुल्ला का जो है दीदार करे पैदल, नहीं। अल्लाह इनको जो है सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके पीछे इनके अहले आयल की हिफाजत फरमाए। तो असल में बताना ये है कि शहाब भाई को आज तारीख 7 अक्टूबर 2023, आज चलते 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 128 दिन इनको मुकम्मल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो अल्लाह ने बिल्कुल आसान किया, यहाँ से आगे भी अल्लाह ही आसान करेंगे। और दूसरी बात, शहाब भाई का लोकेशन आज भी वही है, खासा गांव के अंदर। के खासा गांव के अंदर एक आफिया किड्स स्कूल है, वहां पर वो मुकीम है फिलहाल। और चंद ही दिनों में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे। सुनने में ये बात ही आई है कि पाकिस्तान की तरफ से वीजा का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो हम अपने जहनों से निकाल लें, इंशाल्लाह वो तैयार है देने के लिए। उनके खुद चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी एक वन वीक के अंदर निकल जाए। वो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ओके, इंशाल्लाह मैं थोड़ा दिन का बाद इंशाल्लाह आगे चलेगा इंशाल्लाह। और जो हमने परसों आप लोगों से बातें की थी, यकीनन बहुत सारे लोगों को फिक्र भी हो गई होगी, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला। आज मैंने इनसे जो अभी मालूमात हासिल की हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वन वीक में शहाब भाई अपना सफ़र दोबारा शुरू करने वाले हैं। और जो खास गुड न्यूज़ देनी है वो इंशाल्लाह आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिलेगी। तो वीडियो आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह वो गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। तो उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उनका निकलना आसान फरमाए। और अब निकले हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल तकलीफ और मुसीबतों से जो रास्ते में हो इनको दूर फरमाए। और इनके मस्जिद हराम में जाकर इंशाल्लाह हम सब के लिए वो दुआएं भी करेंगे। इसके लिए उनके पीछे उनके अहलो अयाल के लिए दुआएं करें, उनके लिए दुआएं करें, उनको न भूलें। क्योंकि एक मुसलमान बंदा उस घर को देखने के लिए जा रहा है जिस घर को देखने के लिए हर एक मुसलमान की आंखें तरसती। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। वैसे ही अच्छी अच्छी लाइव लोकेशन में शहाब भाई की जब बताते रहूंगा शहाब भाई की, तो आप इसको सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई जा रही है कि शहाब भाई अभी एक वीक से वाघा बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले अल्फिया स्कूल में रुके हुए हैं। और इंशाल्लाह अभी भाई का सब तबीयत भी ठीक है और सब चीज़ें ठीक है। और भाई अभी यहाँ पर इसलिए एक वीक से रुके हुए थे, भाई का सफ़र इसलिए स्लो था
क्योंकि अभी हम लोग वीजा की प्रोसेसिंग में लगे हुए थे और पाकिस्तान हमें टूरिस्ट वीजा देने के लिए एग्री है, वो टूरिस्ट वीजा के लिए मना नहीं कर रहा है। बट टूरिस्ट वीजा में ये होता है कि जहां से जाएंगे उसी बॉर्डर से वापस रिटर्न आना पड़ेगा, तो इसलिए भाई को टूरिस्ट वीजा नहीं चाहिए और ट्रांजिट वीजा चाहिए। और ट्रांजिट वीजा के लिए इंडिया के प्रोटोकॉल्स, इंडिया और पाकिस्तान के बाय रिकॉर्ड लेटर में ट्रांजिट वीजा के लिए हमें फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लेटर चाहिएगा, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री से एक लेटर चाहिएगा जो कि रिकमेंडेशन लेटर होगा, वो मिलेगा तो पाकिस्तान वीजा देने के लिए रेडी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस लेटर के लिए हम लोग इंडिया गवर्नमेंट के साथ में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह इंडिया गवर्नमेंट हमें ये लेटर बहुत जल्दी देगा और एक वीक या दो वीक के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, क्योंकि अभी छुट्टियां भी चल रही हैं और थोड़े धार्मिक कार्यक्रम हैं तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिया गवर्नमेंट लेटर देगा। और ट्रांजिट वीजा बोलते हैं, जो ट्रांजिट वीजा इंडिया क्रॉस करके ईरान में इंटर होते हैं, वो वीजा के लिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एग्री होगा। जो भी बंदा पाकिस्तान का होगा उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट परमिशन देती है और इंडिया का बंदे को इंडिया गवर्नमेंट परमिशन देती है ट्रांजिट वीजा के लिए। रिकमेंडेशन लेटर होगा वो इंडिया गवर्नमेंट हमें बहुत जल्दी देगा और पाकिस्तान टूरिस्ट वीजा देने के लिए एग्री है, उसने मना नहीं किया है टूरिस्ट वीजा देने के लिए, वो अभी एग्री है पाकिस्तान टूरिस्ट वीजा देने के लिए। इंशाल्लाह इंडिया गवर्नमेंट से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि ये काम को जल्दी से जल्दी खत्म करें और रिकमेंडेशन लेटर दें। जो हमारे विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी खत्म करके और भाई का सफर आसान हो और जल्द से जल्द भाई का सफर चालू हो और इंशाल्लाह एक वीक के अंदर भाई का सफर चालू हो जाएगा। तो सबसे यही गुजारिश है कि भाई के लिए दुआ करें और सब चीजें आसान होगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो रूमर्स घूम रहे हैं, जो रूमर्स हो रहे हैं, जो यूट्यूब में आप गलत इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, वो चीजें सब गलत है और इंशाल्लाह बहुत भाई का सफर बहुत जल्दी चालू होगा। ट्रांजिट वीजा पाकिस्तान देगा और बहुत जल्दी देगा, जब हमारे पास लेटर आ जाएगा तो उसी दिन पाकिस्तान ट्रांजिट वीजा देकर और ये सफर आगे आसान करेंगे। और भाई बहुत अच्छे हैं और भाई के लिए दुआ कीजिए। और हम लोग, हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हम लोग टीम मेंबर्स बहुत जल्दी भाई के पास जाएंगे, क्योंकि भाई अभी वहां पर, इसलिए हम लोगों ने भाई को स्टे करा रखा है क्योंकि किसी को ऊपर बर्डन ना हो और आराम से भाई और भाई के साथ में चार लोग हैं जो भाई की केयर कर रहे हैं और बाकी सब लोग अपने अपने घर पे हैं। और जैसे ही वीजा मिलेगा और हम लोग भाई को ज्वाइन कर लेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। मानसम तेंगुं रुकुईलुं पिन्ने सुजुदीलुं मन्नाने कन्नीराणेंडे निस्कार पायेलुं एन्नियाल तीरात पापं पेरी नडन्न।